जय हिंद। आप देख रहे हैं जीके संसार और आज हम सब बिहार का आधुनिक इतिहास से जुड़े टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके बीपीएससी बीएसएससी बिहार दरोगा और वैरियस एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और इन सभी क्वेश्चन के साथ एक बार गो थ्रू होइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, 1857 के महान विप्लव का प्रारंभ जो है पटना में किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए पीर अली, ऑप्शन बी ननकू सिंह, ऑप्शन सी हैदर अली और ऑप्शन डी गुलाम अली। 1857 का जो महान विप्लव था उसका आरंभ जो पटना में हुआ वह किसके नेतृत्व में हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन ए पीर अली, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर टू, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी? ठीक है, किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी महेश नारायण, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी एक और दो दोनों। यहाँ पे जो आपका सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण, अगर ये दोनों होगा तो ऑप्शन डी होगा, अदरवाइज आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण। क्वेश्चन नंबर थ्री, बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ था? बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ था? 1937 में, 1935 में, 1940 में और 1960 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? तो आप बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा 1937, ठीक है, 1937 में। क्वेश्चन नंबर फोर, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? रॉल्फ फिच, विशप हीवर, पीटर मुंडी और जॉन मार्शल। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो कौन था? रॉल्फ फिच। आप कमेंट करके बताएंगे रॉल्फ फिच बिहार कब आया था। क्वेश्चन नंबर फाइव, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर की जो लड़ाई है वो कब हुआ था? आप सबको पता है तो यहाँ पे डेट भी बताना है, तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। ऑप्शन ए कहता है 23 अक्टूबर 1768 को, ऑप्शन बी कहता है 23 अक्टूबर 1760 को, ऑप्शन सी 22 अक्टूबर 1764 को, ऑप्शन डी कहता है 23 जून 1764 को। तो आप सबको पता है कि 1764 में हुआ है बक्सर का युद्ध, लेकिन कौन से महीने में हुआ है और कितने तारीख को हुआ है ये भी आपको बताना है। तो कब हुआ है बक्सर का युद्ध, कब हुआ है जल्दी से बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? 22 अक्टूबर 1764। देखिए आपको मैं बता दूं कि बक्सर का जो युद्ध है वह 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर में हुआ था और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाब की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बंगाल के नवाब जो थे मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउदौला और मुगल बादशाह सालम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से लड़ाई लड़ रही थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, चंपारण का नील विद्रोह किस गांव से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए पंडौल, ऑप्शन बी जोकितिया, ऑप्शन सी जगदीशपुर और ऑप्शन डी चकिया। चंपारण का जो नील विद्रोह है वह कौन से गांव से शुरुआत हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए पंडौल। देखिए पंडौल कहाँ पे है? मधुबनी बिहार में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? ऑप्शन ए जेम्स अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड, ऑप्शन सी जॉन वैनसी टाट और ऑप्शन डी हेक्टर मुनरो। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो सही आंसर रहेगा चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर एट, पटना में स्थित गोलघर इसका निर्माण जो है किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? पटना का जो गोलघर है उसका निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड कार्नवालिस। पटना का गोलघर का निर्माण जो है वह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? अगर आप जानते हैं तो इस प्रश्न का सही उत्तर जल्दी से बताइए।
तो ये देखिए, अनाज बनाने के लिए इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है वो तकरीबन 29 मीटर है, और ये कब खोला गया था? ये खोला गया था आपका 1786 में, और दिन था 20 जुलाई, ठीक है। 20 जुलाई 1786 को इसको खोला गया था। और कई दफा पूछा था इसका आर्किटेक्ट कौन था, तो कैप्टन जॉन गारस्टीन इसका क्या था, आर्किटेक्ट था, जो कि इसे बनाया था। और पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? इसका डायमीटर अगर देखें तो 32 से 35 मीटर है, ठीक है, इसके आसपास है, लगभग में है। और हाइट हमने आपको बताया कि 29 मीटर है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो था लॉर्ड कार्नवालिस। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का जो अनुरोध किया था, वह कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? लखनऊ अधिवेशन, पटना अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन, या फिर मेरठ अधिवेशन? राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का जो अनुरोध किया था, चंपारण आने का, वह कौन सा अधिवेशन था भाई? तो था लखनऊ अधिवेशन। तो जल्दी से बताइए, कितने लोगों को पता है लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? कमेंट करेंगे आप सभी, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, जहां पे राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सबसे पहले जो विरोध हुआ वो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी अली वर्दी खां, ऑप्शन सी अली गौहर, और ऑप्शन डी मीर कासिम। तो ये किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले ब्रिटिश सत्ता का जो विरोध हुआ बिहार में, वह अली गौहर ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ऑप्शन ए मीर हुसैन, ऑप्शन बी चंद्रवंशी सहाय, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, और ऑप्शन डी मजरूल हक। देखिए, बिहार होम रूल लीग की स्थापना जो है 1916 में हुआ था, लेकिन किसकी अध्यक्षता में हुआ था ये पूछा गया है, तो ये हुआ था मजरूल हक की अध्यक्षता में। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। प्रश्न संख्या 12 है, बिहार के किस जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी, कपड़े का त्याग किया था? ऑप्शन ए छपरा, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी मुंगेर, और ऑप्शन डी पटना। बिहार का वह कौन सा जिला जेल था जिसमें कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो वह छपरा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। प्रश्न संख्या 13 है, बिहार में किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? बिहार में किसान सभा का जो गठन हुआ था वह कौन से वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1926, और ऑप्शन डी 1929। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, 1929। और 17 नवंबर 1929 को इसकी घोषणा जो है की गई थी, किसके द्वारा? सहजानंद सरस्वती के द्वारा। तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पटना में गोलघर का निर्माण किस लिए किया गया था? पटना में जो गोलघर अभी हम लोगों ने देखा, तो इसका निर्माण जो है किस लिए किया गया था? सैनिक छावनी के लिए, प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए, अनाज के भंडारण के लिए, या उपर्युक्त में सभी सही है। तो देखिए, पटना में जो गोलघर है जिसका निर्माण अगर हम देखें तो किस लिए किया गया था? अनाज के भंडारण के लिए किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। प्रश्न संख्या 15 है कि बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की जो स्थापना है वह किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी बजरंग सहाय, ऑप्शन सी भूपेंद्र नाथ दत्त, और ऑप्शन डी सचिंद्र नाथ सान्याल। तो ये किया गया था भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा, तो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। प्रश्न संख्या 16 है, बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया? देखिए, बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का शुरुआत हुआ, तो ये किसके द्वारा किया गया? राजकुमार शुक्ल, बैंकुंठ शुक्ला, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन डी आचार्य कृपलानी, और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। सी आपका सही है। प्रश्न संख्या 17 है, अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? अली गौहर का बिहार अभियान जो है वह कौन से वर्ष समाप्त हुआ? 1761, 1757,
1764, 1769 या उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अली गौहर का बिहार अभियान जो है वो कब समाप्त हुआ था? 1769 में। तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्रश्न संख्या 18 है, बिरसा मुंडा के अनुयायी यानी कि उनके जो मानने वाले थे उन्हें किसका अवतार मानते थे? ऑप्शन ए सिंह बोंगा, ऑप्शन बी धरती अब्बा, ऑप्शन सी मागो मनकी, ऑप्शन डी वीर सिंह और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? जो बिरसा मुंडा के अनुयायी होते थे वह उनको किसका अवतार मानते थे? तो धरती अब्बा। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है यानी प्रश्न संख्या 19 है, अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? 1729, 1734, 1746, 1733 या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो ये कब किया गया था? 1733 में। तो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे प्राप्त है? भारत में ठगी अतिक्रमण करने का जो श्रेय है वो किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए अर्ल ऑफ डलहौजी, चार्ल्स मेटकॉफ, डब्ल्यू टी डेनिसन, डब्ल्यू एस लीमन या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। यहां पे देखिए अल है, यहां पे आपका डलहौजी यहां पे है, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। तो यहां पे सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका डब्ल्यू एस स्लीमैन। ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। तो इस तरह से टॉप 20 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। और आप सबके कितने क्वेश्चन जो है सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई भी आपका सुझाव हो हमारे सेशन के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।